क्वेश्चन नंबर टू, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, राइट? देखो दो चीजें हैं केक बनाने के लिए, आपको फ्लोर एंड फैट चाहिए. अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट. तो बेटा यहाँ पर कितने केक हो गए आपके पास बताओ? टू केक्स आर देयर, ठीक है. एक केक को आप फर्स्ट काइंड अज्यूम करोगे और दूसरे केक को आप क्या अज्यूम करोगे? सेकेंड काइंड, ठीक है. सो फर्स्ट काइंड केक इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट. लेस फ्रेंड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है ताकि हम सब कुछ गड़बड़ ना करते हुए सीधी सीधी कंस्ट्रेंट्स बनाएं और क्वेश्चन हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएं, ठीक है. एंड सेकेंड काइंड, तो जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर दो काइंड्स गिवन होती हैं, दो तरह के प्रोडक्ट्स गिवन होते हैं, तो आप उनको सबसे पहले अज्यूम कर लो. सेकेंड काइंड केक इज वाई. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जब आप फर्स्ट काइंड केक बना रहे हो तो आपको 2 ग्राम फ्लोर एंड 20 ग्राम ऑफ फैट चाहिए. जब आप सेकेंड ग्राम बना रहे हो देन यू विल गेट 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है. अब हम इनकी कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं. रिस्ट्रिक्शंस देखो क्या है इस क्वेश्चन में. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 केजी ऑफ फ्लोर एंड 1 केजी ऑफ फैट अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट यूजिंग इन मेकिंग द केक, ठीक है. क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनो. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, कि जितना भी आपको इंग्रेडिएंट गिवन है आप मैक्सिमम कितने केक बना सकते हो. तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स क्या है फर्स्ट काइंड ऑफ केक और वाई क्या है सेकेंड काइंड ऑफ केक. तो हम एक्स के कितने मैक्सिमम और एक्स और वाई हमारे पास कितने मैक्सिमम केक बनेंगे, हमारे पास कितने मैक्सिमम केक बनेंगे विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 केजी ऑफ फ्लोर एंड 1 केजी ऑफ फैट अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनी अदर इंग्रेडिएंट. स्टेटमेंट बताओ क्लियर है? हाँ जी बोलो. यस स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम केक बनानी है तो हमने जो लिखा है ना, लेट फर्स्ट काइंड ऑफ केक, यहाँ पे नंबर भी लिख लो, लेट नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ केक इज एक्स एंड लेट नंबर ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ केक इज वाई. अब क्लियर हो गया? आपको लग रहा था कि दो टाइप्स इंडिविजुअली ली है ना, हमने नंबर ले लेते हैं उनको. लेट द नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ केक इज एक्स एंड नंबर ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ केक इज वाई. सीधा सीधा पूछा गया है कि आप कितने मैक्सिमम केक बना सकते हो, तो कितने मैक्सिमम केक बनेंगे, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, राइट. सो योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव. अब हमने बनानी है कंस्ट्रेंट्स. तो देखो कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाएंगे. कंस्ट्रेंट्स के लिए सबसे पहले ये देखो कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं ग्राम्स में और कुछ चीज़ें दी गई हैं किलोग्राम में, तो सब कुछ सेम होना चाहिए. ये देखो यहाँ पर ग्राम्स किलोग्राम है, वहाँ पर ग्राम है. अब देखो जब आप फर्स्ट काइंड ऑफ केक बनाते हो, जब आप फर्स्ट काइंड ऑफ केक बनाते हो तो बेटा देखो फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड कितना है, x. जब आप फर्स्ट काइंड ऑफ केक बना रहे हो तो आपको जो फ्लोर लग रहा है वो कितना है, 200 ग्राम. फ्लोर कितना है, 200 ग्राम, राइट. और आपकी लिमिट कितनी है, जो आटा है उसकी लिमिट कितनी है बताओ, आपकी लिमिट कितनी है, 5 केजी, मतलब 5000 ग्राम. आपकी लिमिट है 5000 ग्राम. तो अगर बेटा फर्स्ट काइंड का केक बनाते हो तो उसमें 200 ग्राम हमने आटा डाला, और अगर आप सेकंड टाइप का केक बनाते हो तो उसमें हम कितने ग्राम फ्लोर डालेंगे, बोलो, मैदा, सॉरी नॉट आटा. कितना डालेंगे हम, 100 ग्राम, 200x प्लस 100y, और आपकी लिमिट कितनी है, 5000 ग्राम. इससे ज़्यादा आपके पास फ्लोर नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट केक की, जो फर्स्ट और सेकेंड केक दोनों को मिला के जो भी इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू
5000, राइट? हाँ जी बोलो। क्लियर है सबको? तो सेकंड बताओ कौन सी बनेगी, सेकंड कंस्ट्रेंट कौन सी बनेगी? में हम किसकी बात करेंगे, फैट की। तो फर्स्ट केक में कितना फैट होना चाहिए? फर्स्ट केक में आपका जो फैट है दैट इज 25 ग्राम। देखो फर्स्ट केस में आपका जो फैट है विच इज 25 ग्राम, तो यहाँ पर क्या आएगा 25x। फर्स्ट केक में फैट, फैट की बात हो रही है, और सेकंड केस में भी फैट की बात कितनी है, केस सेकंड केक में फैट कितना है बोलो? 1 kg। अब आप है वो है 1000। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। कर ही सकते हो आसानी से, कर सकते हो ना, तो बनाएंगे। देखो बेटा पहली बार में समझ नहीं आएगा, आप स्टेटमेंट को दोबारा दो दो बार रीड करो। देखो जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें दो क्वालिटीज थी फूड की, फूड पी एंड फूड क्यू। तो हमने वहां पे लिखा था फूड पी एक्स है और फूड क्यू वाई है। उसके बाद विटामिन की बात हो रही थी, विटामिन ए की अलग इक्वेशन बनाई, और विटामिन ए के जो हमें जो हमें मिनिमम दिया हुआ था यूनिट्स विटामिन्स के, वो हमने कंस्ट्रेंट्स में डाले। सिमिलरली ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, आपके पास दो तरह के केक आपने बनाने हैं, और कितने केक बनाने हैं, कितने मैक्सिमम केक बनेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एंड योर कंस्ट्रेंट्स आर 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000, 20x 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल्स टू 1000. So now you have two constraints and you are able to solve this question. कैसे solve करोगे? First of all हम इनको cutting कर लेते हैं जो common है, ताकि हमारी जो equations हैं वो थोड़ी छोटी। तो हमने यहाँ पर first of all first line ली, first line के points निकाल लिए 0, 50, 25, 0। फिर हमने second line के points निकाले, afterwards हमने दोनों lines के common points solve किए और हमने इसको ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट है 0, 20। व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 20 दिस पॉइंट, एंड व्हेन एक्स इज 40 वाई इज 0 दिस पॉइंट। सी अब ये लाइन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, दिस इज ए कॉमन पॉइंट। अच्छा लेस की बात हो रही है तो आप नीचे की तरफ आओगे, दोनों में लेस की बात हो रही है तो आपका जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा होगा, दिस येलो पोर्शन। ये येलो कलर का आपका फिजिबल रीजन हो गया, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो कौन से होंगे, ए बी सी एंड ओ, ए बी सी एंड ओ। अब बी पॉइंट कौन सा होगा, या तो ग्राफ से देख लो बी कौन सा पॉइंट है, नहीं तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि बी कौन सा पॉइंट है, 20 एंड 10। बी पॉइंट इज 20 एंड 10। क्लियर? हाँ जी बोलो, क्लियर है बेटा? ओके, सो योर ए पॉइंट इज 0, 20, बी पॉइंट होगा ये पड़ा, सी कौन सा है 25, 0, सी पॉइंट इज 25, 0। तो हमें चेक क्या करना है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो कर दो प्लस, जेड आएगा यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 25। तो आप कितने मैक्सिमम केक्स बना सकते हो बोलो, मैक्सिमम केक्स कितने बनेंगे आपके? मैम 30। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम केक्स इज, जो फर्स्ट काइंड वाला केक था वो आपके बनेंगे 20 केक्स, और सेकेंड काइंड वाले केक बनेंगे 10, और टोटल आपके केक्स बनेंगे, टोटल केक्स आर 30, टोटल केक्स आर 30। इज इट क्लियर? So your question is affect.